चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। क्षयोपशम ज्ञान की तरंगों से न्यारा त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य सागर हूँ। क्षयोपशम ज्ञान में वृद्धि होने पर क्षयोपशम ज्ञान में हानि होने पर जिस चैतन्य सत्ता में कोई वृद्धि और हानि होती नहीं यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। ज्ञान का सहज बहता प्रवाह जिस प्रवाह में हानि और वृद्धि कुछ भी नहीं है। ज्ञान का ऐसा सहज स्वरूप है मात्र जानना। जानने के विकल्प के बिना जिस ज्ञान का सहज जानने रूप परिणमन होता है उस ज्ञान के परिणमन में किसी भी परद्रव्य और प्रभाव का प्रवेश नहीं है। धन संपत्ति की भांति देह के अनंत परमाणुओं की भांति राग और द्वेष के विकल्पों की भांति क्षयोपशम ज्ञान को भी अनित्य जानो। क्षयोपशम ज्ञान भी एकत्व करने योग्य नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान ज्ञेय है। क्षयोपशम ज्ञान पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाला परलक्षी ज्ञान चैतन्य स्वभाव कैसे हो सकता है। जो भी ज्ञेय जानने में आए ज्ञान की विशेष अवस्थाओं पर जोर न हो। ज्ञेय ज्ञान की विशेष अवस्था में जानने में आते हैं। ज्ञान के विशेष जानने 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 रूप परिणमन में भी
सामान्य ज्ञान प्रवाह बहता है। इस सामान्य बहते ज्ञान के प्रवाह में परज्ञेय का तो प्रवेश है ही नहीं, परज्ञेय को जानने वाला ज्ञान उस ज्ञान का भी ज्ञान के सहज जानने जानने रूप परिणमन में प्रवेश नहीं है। परिणमित होकर भी जो परिणमित नहीं होता, पलट कर भी जो नहीं पलटता, ज्ञेयों को जानकर भी जो ज्ञेयों को जानने नहीं जाता, यह ध्रुव चैतन्य स्वभाव यही मैं हूं। ज्ञान की पर्याय में मेरा ही रूप व्यक्त हो रहा है। फिर भी चैतन्य स्वरूप त्रिकाल अव्यक्त ही रहता है। यह त्रिकाल अव्यक्त स्वरूप ही मैं हूँ, यही मेरी पहचान है, यही मैं हूँ। जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता को इंद्रियों के परमाणुओं से कुछ भी लेना देना नहीं, क्षयोपशम ज्ञान में आँख का निमित्त है, क्षयोपशम ज्ञान में कान का निमित्त है, मगर ज्ञान किस ज्ञेय को जानता है, ज्ञान किसके निमित्त से जानता है, उस दृष्टि से न देखकर ज्ञान मात्र जानता है, जानता है, जानता है, यही ज्ञान का स्वभाव है, मात्र जानना। नए नए ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तो भी आकुलित हुए बिना सहज जानने रूप परिणमित होना, एक समय पहले केवल ज्ञान नहीं था, एक समय में केवल ज्ञान प्रकट हुआ, मर्यादित ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते थे, अब लोकालोक ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। फिर भी ज्ञान की सहजता, ज्ञान की निर्लेपता, यह परम चैतन्य तत्व ही मैं हूं। ऐसा सहज निर्लेप चैतन्य परमात्मा मैं हूं। भीतर की अनुभूति भीतर ही रहती है, वेदन भीतर में ही होता है, वाणी में नहीं, विकल्पों में नहीं। विकल्प तो दूर, अत्यंत दूर दिखाई देते हैं। इस ज्ञान के जानने जानने रूप परिणमन में मैं चैतन्य परमात्मा हूँ ऐसा बोलने का विकल्प परिणमित नहीं होता। यह राग का विकल्प ज्ञान के निर्लेप परिणमन में आता नहीं,
ज्ञान का परिणमन सदैव निर्लेप है। यह निर्लेप चैतन्य तत्व में ज्ञान को मनुष्य के देह से क्या लेना देना, जो सहज जानना है उस जानने में तो कोई विकल्प नहीं। फिर मनुष्य के देह की 5 इंद्रियों से क्या लेना देना, ज्ञान का जानना 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 ऐसा सहज है। और ये सहज जानना बिल्कुल दूर हो रहा है, इतना दूर हो रहा है जहां देह है ही नहीं, क्योंकि मिट्टी परिणमित नहीं होती। यह जो ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो रही है उसमें मिट्टी का परिणमन नहीं है। ज्ञान के जानने रूप परिणमन में देह की मिट्टी का परिणमन नहीं है। धुआं नहीं होता तो ज्योति जलती कैसे? धुएं ने ज्योति को जलाया नहीं है, ये ज्योति का स्वभाव है प्रकाश। यह ज्ञान ज्योति का स्वभाव है जानना, विकल्प का जिसमें प्रवेश नहीं, विकल्प जिसका कर्ता नहीं। यह ज्ञान ज्योति, यह चैतन्य ज्योति क्षयोपशम ज्ञान का भी जिस चैतन्य ज्योति में प्रवेश नहीं है, क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान की मृत्यु है और चैतन्य ज्योति सदैव प्रज्वलित है। जब केवल ज्ञान होता है क्षयोपशम ज्ञान का नाश होता है, क्षयोपशम ज्ञान की मृत्यु होती है, क्षयोपशम ज्ञान का व्यय होता है, अल्पज्ञता का व्यय होता है, तब सर्वज्ञता प्रकट होती है। अल्पज्ञता का नाश और सर्वज्ञता का उत्पाद। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान मैं नहीं हूं, जिसका नाश हो जाए वह चैतन्य ज्योति नहीं। मैं क्षयोपशम ज्ञान से न्यारी चैतन्य ज्योति हूँ जो कभी बुझती ही नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान मरता है, क्षयोपशम ज्ञान की मृत्यु है। मैं चैतन्य ज्योति अमृत हूँ। क्षयोपशम ज्ञान कर्म की अपेक्षा रखता है, ज्योति किसी की भी अपेक्षा नहीं रखती। यह चैतन्य ज्योति निरपेक्ष है। बुद्धि के लिए पर की अनिवार्यता है। यह चैतन्य ज्योति स्वतंत्र स्वाधीन है। मैं चैतन्य ज्योति, मृत्यु होते ही अगले भव में न देह का नाम याद है, न देह के रिश्तेदारों का नाम याद है, न गांव, न नगर, न देश, न गति। पूर्व भव में कौन सी गति में था यह भी याद न रहा। क्षयोपशम ज्ञान की अनित्यता तो देखो। क्षयोपशम ज्ञान मृत्यु होते ही
जो भी ज्ञान में जाना सब अनजाना हो गया। मगर कुछ है जो टिककर रहा, त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति सदैव टिककर रहती है। वह एक भव के बदलने से नहीं, अनंत भवों के बदलने पर भी जो ज्योति टिक करके रही, जो ज्योति एक समय के लिए भी बुझी नहीं, यह ज्योति ही मैं हूं। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान से पहचान न हो, एक समय में स्मरण में आने वाला स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक, एक समय में स्मरण में आने वाला राग की दीवार का पड़ोसी, मगर यह बुद्धि आई और गई। बुद्धि पर भी जोर न हो, शुद्धि पर भी जोर न हो, क्षायोपशमिक भाव पर भी जोर न हो, क्षायिक भाव पर भी जोर न हो, क्षायोपशमिक भाव का व्यय है, क्षायिक भाव का उत्पाद है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप यह चैतन्य ज्योति उत्पाद व्यय से पार है। यह चैतन्य ज्योति ही मेरी पहचान है। मैं चैतन्य ज्योति त्रिकाल प्रज्वलित चैतन्य ज्योति जब ये ज्योति सदैव जलकर ही रहती है, फिर मृत्यु का भय नहीं रहता। जाना अनजाना होता हो तो भय हो, जाना धन अगले समय अनजाना हो जाएगा तो भय होता है। कहाँ गया धन, अनजाना हो गया। मगर यह चैतन्य ज्योति जो सदैव प्रज्वलित है, क्षयोपशम ज्ञान की तरंग में रुचि नहीं, यह मेरी पहचान नहीं। बुद्धि मेरी पहचान नहीं, बुद्ध की पहचान बुद्धि नहीं, बुद्ध की पहचान बुद्धि नहीं, बुद्ध की पहचान बुद्धि नहीं। बुद्धि घटती गई, शुद्धि बढ़ती गई, मगर न्यायक देव न घटा न बढ़ा। घटती बुद्धि भी मैं नहीं, बढ़ती शुद्धि भी मैं नहीं, कुछ भी घटता नहीं, कुछ भी बढ़ता नहीं, न हानि न वृद्धि, यह चैतन्य ज्योति मैं हूं। न हानि न वृद्धि, न हानि न वृद्धि, यह चैतन्य ज्योति मैं हूँ। चैतन्य ज्योति मैं हूँ, चैतन्य ज्योति मैं हूँ।
ओम।